Good morning, ladies and gentlemen. My name is Dr. Manoj Sharma. मैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल रोहिणी दिल्ली मैं ऑर्थोपेडिक स्पाइन डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ. आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल के बारे में. सर्वाइकल क्या होता है? बड़ी कॉमन लफ्ज है सर्वाइकल. तो हमारे स्पाइन को अगर आप देखें, ह्यूमन स्पाइन में 33 बोन्स होती हैं. सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन एंड सैक्रम. नाउ जो हमारा नेक है जिसे हम सर्वाइकल बोलते हैं, नेक में 7 हड्डियां होती हैं. हर हड्डी के बीच में अगर आप देखें तो आगे की तरफ एक डिस्क होती है और पीछे की तरफ दोनों तरफ एक ज्वाइंट होता है. नाउ सर्वाइकल स्पाइन हमारे बॉडी का बहुत ही मोबाइल पार्ट है. हर काम में हम लोग नीचे देखते हैं, ऊपर, दाएं बाएं, तो हर समय हमारी गर्दन हिलती रहती है. तो इसकी वजह से गर्दन में वियर एंड टियर भी बहुत ज्यादा हो जाता है. सो होता क्या है कि उम्र के साथ साथ या तो हमारी डिस्क कई बार थोड़ी सी स्लिप होकर पीछे से निकल आती है, या पीछे के जो जॉइंट्स हैं इसमें वियर टेयर होने के कारण इनकी हड्डियां थोड़ी सी बढ़ने लगती हैं. अब आप देखें कि हमारे ब्रेन से एक मेन नर्व हमारे सर्वाइकल स्पाइन में से होती हुई नीचे तक जाती है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं. उसमें से छोटी छोटी नसें हर लेवल पे बाहर निकलती हैं. तो अगर वियर एंड टेयर के साथ में इन नसों पे थोड़ा सा भी दबाव आएगा तो हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा गर्दन के दर्द के साथ साथ, या हमें चक्कर आना शुरू हो जाएगा, या उस दबाव की वजह से हमारे दोनों हाथ में दर्द या सुनपना या भारी भारी या कीड़ियों से चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, या कई बार अगर दबाव गर्दन के बिल्कुल बीचों बीच है तो मेन स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव आने की वजह से हमारे पैरों तक दर्द जा सकता है और हमारी चाल में भी फर्क आ सकता है. हमारा जो चलते समय जो बॉडी का बैलेंस है वो भी लूज हो सकता है. तो इसे कहते हैं हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस. इसमें आमतौर पर जो दर्द है वो गर्दन में ही रहता है और इसके इलाज में सबसे कॉमन चीज है कि हम, और सबसे आसान चीज है कि हम अपने पॉस्चर को ठीक करें. चार चीजों का ध्यान रखना चाहिए. पहली चीज कि आप जब सोएं तो तकिया ना इस्तेमाल करें. दूसरा, तकिया नहीं इस्तेमाल करने का फायदा तभी जब आप सीधा लेटें, करवट से नहीं लेटना. आपको करवट से लेटेंगे तो तकिया लेना चाहिए, बट करवट से लेटिए ही मत. तीसरा, आप सर को देर तक झुका के काम नहीं करिए. जैसे आजकल के वक्त में लैपटॉप पे लोग 12-12 घंटे काम करते हैं नीचे से, लैपटॉप या कोई भी चीज जिसको आप काम कर रहे हैं उसको अपनी आंख के लेवल पे लाइए, जिससे कि सर आपका आंख का लेवल सीधा रहे और नीचे देख के काम न करें. चौथी चीज, झटके वाले काम मत करिए, जैसे कि रनिंग है या कोई भी और काम, जैसे घर में आप कपड़े धो रहे हैं कुछ जिसमें सर में जर्क लग रहा है, ऐसे काम अगर होंगे तो वियर एंड टियर ज्यादा होगा, आपको नेक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा. और पांचवी चीज ये है कि गर्दन की कुछ वर्जिशें होती हैं जिसे हम लोग आइसोमेट्रिक सर्वाइकल एक्सरसाइजेस बोलते हैं, वो आप मेरे ख्याल से यूट्यूब पे देख लीजिए. तो उसको दिन में 2 या 3 बार करिए. इससे आमतौर पे दर्द ठीक हो जाते हैं. साथ में आप दर्द की दवाइयां, अगर उससे नहीं ठीक होता तो फिजियोथेरेपी वगैरह करने से ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं. लेकिन अगर गर्दन के दर्द के साथ में हाथ में दर्द है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो ये आमतौर पर सर्वाइकल डिस्क या स्लिप डिस्क ऑफ सर्वाइकल स्पाइन की वजह से होता है. और इसके लिए फिर MRI करवा के ये देखना पड़ता है कि किस लेवल पर दबाव है. और आजकल हम लोग इंजेक्शन से या लेजर से या बहुत ही माइनर एंडोस्कोपी वगैरह से उसको ठीक कर सकते हैं. नाउ सर्वाइकल स्पाइन में अगर आपका दर्द 2-3 हफ्ते में नहीं ठीक होता तो आपको एक स्पाइन सर्जन के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें खतरनाक चीज भी हो सकती है. बिकॉज सर्वाइकल स्पाइन में इन्फेक्शन भी हो सकता है, TB भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, ओल्ड एज में फ्रैक्चर भी हो सकता है, और भी खतरनाक चीजें हो सकती हैं. तो अगर 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यू शुड कॉन्टेक्ट स्पाइन सर्जन. आई वुड लाइक टू से दैट वी आर द पायनियर्स इन द मिनिमली इनवेसिव स्पाइन सर्जरी इन द कंट्री. वी स्टार्टेड लेजर डिस्कैक्टमी एंड एंडोस्कोपी वे बैक इन 1998, विच इज द लेटेस्ट ट्रीटमेंट फॉर स्पाइन एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिका. नाउ सो फॉर एनी स्पाइनल प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट अस. आई एम डॉक्टर मनोज शर्मा. My number is 9810-91720. I repeat it, 9810-91720. Thank you very much and have a very nice day and be happy and healthy. Thank you.